हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। बख्तियारपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं की बूथ स्तरीय बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को किया गया जागरूक। सहरसा में मैट्रिक इंटर नामांकन फॉर्म भराई में अवैध उगाही, छात्रों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। अररिया में एनएसयूआई ने शिक्षा मंत्री का फूका पुतला, नीट और जेईई परीक्षा रद्द करने की मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बाढ़ जिला अध्यक्ष डॉक्टर सियाराम सिंह के नेतृत्व में बख्तियारपुर और फतुहा विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बूथ स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ साथ मतदाताओं को एनडीए के विकास कार्यों को बताकर जागरूक करना था। इस बैठक में भाजपा विधायक ने 15 साल बनाम 15 साल के कार्यों का जिक्र किया। वहीं भाजपा विधायक ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा। सीट का व्यवस्था नहीं था, आज हमारे प्रधानमंत्री के जी के मजबूती के कारण आज हमारे देश में जो है 1 लाख पीपी की और लाखों मास्क बन रहे हैं, जिसके कारण आज देखिए क्या हमारे पूरे देश में जो है, जो हमसे अच्छे कंट्री चाहे अमेरिका हो, स्पेन हो, उस सब में कितना COVID-19 से लोग सफर किए, लेकिन आज हमारा जो है देश जो है डेवलपिंग कंट्री होते हुए भी हमारे मजबूत प्रधानमंत्री जी के कारण आज हम लोग इस पर विजय प्राप्त किए। मैट्रिक इंटर नामांकन फॉर्म भराई में छात्रों से उगाही करने का मामला सामने आया है। बता दें कि सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर उच्च विद्यालय के दर्जनों छात्रों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ विरोध जताते हुए जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क से ज्यादा रकम इंटर और मैट्रिक नामांकन फॉर्म भराई के नाम पर स्कूल प्रशासन के द्वारा वसूला जा रहा है। 20 रुपया वहाँ 2500 रुपया लिया जा रहा है। छात्रवृत्ति में पैसा लेने की कोई मतलब कहीं लिखा ही नहीं है, वहाँ भी पैसा लिया जाता है हम लोगों से, तो ये सब के वजह से सर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। रसीद दिया जाता है? नो सर, एडमिशन करवाते हैं तो रसीद भी नहीं दिया जाता है। रसीद मांगते हैं हम लोग तो बोला जाता है कि रसीद नहीं है, स्कूल विद्यालय में खत्म है, रसीद 5 दिन के बाद दिया जाएगा। जहाँ की जबकि हर एक कॉलेज स्कूल में एडमिशन कराते वक्त ही एडमिशन का रसीद दिया जाता है। मामला यह है कि आज करीब लगभग 20 रोज से नामांकन जारी है उच्च विद्यालय सिमरी बख्तियारपुर में, जो कि विद्यार्थी लोग काफ़ी परेशानी से बहुत बहुत दूरों से आते हैं और एडमिशन चार्ज है कहीं 820, तो वहाँ पे मनमानी चारा घोटाला के तहत 1700 2000 ऐसे लेते हैं। जिस तरह की इंटर का भी देखें कि लेना चाहिए था 1220, तो वहाँ पे 2500-2500 रुपया लेकर के आदमी को गुमराह किया जा रहा है, स्टूडेंट को गुमराह कर दिया जा रहा है। ये सर बिल्कुल बेबुनियाद और मनगढ़ंत है, इस तरह का कोई भी अतिरिक्त नहीं लिया जा रहा है। दो तरह का शुल्क लिया जा रहा है, एक शुल्क है जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से निर्धारित शुल्क है वो, प्लस 11वीं से जो प्रमोट हुए हैं बच्चे 12वीं में वो राशि ली जा रहा है, लेकिन उन्हें कोई रसीद नहीं दिया जा रहा। सर रसीद बिल्कुल दिया जा रहा है, मैं बताया ना आपको कि ये मनगढ़ंत और सुनियोजित साजिश के तहत ये आरोप लगाया जा रहा है। एनएसयूआई के द्वारा अररिया जिले के फारबिसगंज कॉलेज के मुख्य द्वार पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल का पुतला फूंक, जेईई परीक्षा रद्द करने की मांग की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व एनएसयूआई जिला अध्यक्ष इरशाद सिद्दकी ने किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस कोरोना युग में नीट और जेईई की परीक्षा लेना किसी तरह से उचित नहीं है। देश COVID-19 की महामारी में त्रस्त है, देश बर्बाद होने के कगार पे है और देश के शिक्षा मंत्री नीट के एग्ज़ाम लेने के लिए बेचैन पड़े हुए हैं। आखिर कहां से अनुचित है एग्ज़ाम लेना। हम NSY आज छात्र आंदोलन छेड़ रखे हैं पूरे भारत में कि हम लोग एग्ज़ाम को रद्द करें और छात्रों को भविष्य को बचाएं। मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति से 80,260 रुपए की लूट कर ली, साथ ही 2 मोबाइल भी छीनकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि डुमरी और पहसौल के बीच अज्ञात अपराधी ने ओवरटेक कर बाइक को रोका और फिर हथियार दिखाकर बैग और मोबाइल लेकर फरार हो गए। कलेक्शन करने के लिए कटरा उड़ाई की तरफ गए आ रहे थे, तो वही 12:15 बजे हम बसुआ से निकले और हमको सर पहसौल से आगे जाना था, कस्टमर के यहाँ, कस्टमर का नाम मुख्तार ठाकुर है, उनके यहाँ जाना था, तो डुमरी से हम पसौल वाले रोड में अंदर घुसे
तो बीच में चिमनी से के पास थोड़ा सा मतलब गैप है, वहीं पर तीन लोग जो अपाची गाड़ी पर थे, बिना नंबर का गाड़ी था, तीनों का उम्र सर यही कोई 20-21 साल के अंदर के ही तीनों थे, वो हमको ओवरटेक करके गाड़ी को रोके हैं। रोकने के बाद उसमें से दो लोग के कमर में हथियार था, निकाल के मेरे और मेरे साथी को सटा दिए हैं। हमारे बैग में 80,260 रुपया सर कलेक्शन का अमाउंट था, बैग, हम मेरे और मेरे साथी का मोबाइल, सब कुछ लूट लिया उन्होंने। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम संबंधित जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण की बैठक जिला पदाधिकारी रविशंकर चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न की गई। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा उपस्थित लोगों की जानकारी दी गई कि अब तक कुल 32 मामलों का पुलिस अधीक्षक अरवल के द्वारा अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित एवं आश्रितों के लिए अनुदान राशि भुगतान के लिए अनुशंसा की गई। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए पूरी तरह से सजी 6 जागरूकता रथ का जिला पदाधिकारी अरवल रवि शंकर चौधरी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 5 रथ सभी 5 प्रखंड के गांव स्तर तक और 1 रथ अरवल नगर के सभी वार्डों के रोड और गलियों में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करेगा। इमामगंज सीट को लेकर चल रहे राजद पार्टी में घमासान को पूर्व विधायक ने विराम दे दिया है। इमामगंज के पूर्व विधायक रामस्वरूप पासवान ने कहा कि वो राजद से इमामगंज विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे और इसके लिए वो चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। को लेकर तैयारी हमारा है, हमारे क्षेत्र से जितने लोग हैं चाहे वो कोई जात के हो, राजपूत एक दिन बैठक किया संजय कोरजवा है ना चक्रा में मदनवा के पास, सारा कसम खाया कि विधायक जी आप कोई पार्टी से आइए कोई दल से आइए, लेकिन अच्छा है कि आरजेडी से आ रहे हैं, इसमें हम खुश हैं, हम लोग सब बोलते हैं। पावन जमुना में एक आदमी करंट से मर गया तो हम गए, बल्कि सुशील सिंह एमपी भी आ गया था, सबके सामने बावन लोग कहे कि हम लोग रामस्वरूप पासवान के आदमी हैं, कोई दल हो कोई दल से मतलब नहीं है। रामस्वरूप सासाराम के मुफस्सिल थाना अंतर्गत अमरी गांव में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें कई लोगों को चोटें भी आई है। मारपीट के बाद एक पक्ष के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सदर डीएसपी कार्यालय पहुंच गए। इन लोगों का कहना है कि वे लोग जब मुफस्सिल थाना गए तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनकी बात नहीं सुनी, ऐसे में अपने जानमाल की रक्षा और न्याय के लिए वो लोग डीएसपी कार्यालय पर अपने बाल बच्चों के साथ पहुंच गए। परिवार संजय नटराज के परिवार सब मार रहा है, अमरीटोला मारने वाले अमरीटोला के हैं, आप लोग हम लोग भी अमरीटोला के हैं, तो हम लोग एक गोतिया है, हम लोग चार गोतिया है, चार गोतिया मिलकर हम लोग के मार रहा है संजय नटराज, जो मारे हैं संजय नटराज, डमरू नटराज, ननू नटराज, बालक कुमार, रेहाना देवी, मंटी देवी, मंजू देवी, बहुत यही लोग सब मार रही है। बख्तियारपुर के राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय में इंटर के ऑनलाइन एडमिशन में छात्रों से अधिक रुपए लिए जाने के विरोध में छात्रों ने पैसे वापसी की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना दिया था, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन के द्वारा छात्रों के खाते में पैसे वापसी का आश्वासन दिया गया, बावजूद इसके आज तक छात्रों को पैसे वापस नहीं मिले, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन के रवैये से नाराज छात्रों ने पुनः कॉलेज गेट पर धरना दिया और रुपए वापसी की मांग की। मुजफ्फरपुर पहुंचे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष पप्पू सिंह युवा जिला अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा से मुलाकात करने के बाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए सीट शेयरिंग की बात को लेकर कहा कि रालोसपा की सीट बंटवारे पर महागठबंधन में सहमति बनेगी और रालोसपा महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी। उसके लिए विशेष जानकारी आपको चाहिए होगा, जो आप जानना चाहेंगे
तो बहुत जल्द ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गुरु कुशवाहा जी बताएंगे उसके लिए। फिर भी कितने सीट तक अनुमान है कि महागठबंधन से आप लोग ले पाएंगे? हम लोग को चाहता ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, हम लोग चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। जन अधिकार पार्टी के नेता सह पप्पू ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने कहा कि हिलसा आज विकास के लक्ष्यों से दूर बदहाली की मार झेल रहा है, क्योंकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रदेश की सरकार ने हिलसा की घोर उपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि वो इसे बेहतर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे। बता दें कि राजू दानवीर ने हिलसा विधानसभा के थरथरी प्रखंड के दर्जनों गाँव में सघन जनसंपर्क अभियान के माध्यम से लोगों से औपचारिक मुलाकात की और जनहित से जुड़ी समस्या को जान उसके निवारण का भी आश्वासन दिया। AIMIM ने दक्षिण बिहार में अपनी जगह तलाशना शुरू कर दिया है। बता दें कि AIMIM के प्रदेश नेता व शाहबाद प्रमंडलीय प्रभारी अफजल आलम सासाराम पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मुसलमानों को जिस तरह से मुहरा बनाकर विभिन्न पार्टियां वर्षों से राजनीति करते आई है, अब ऐसा नहीं चलेगा। इस वर्ग को शिक्षा और विकास से जोड़ना जरूरी है। तब से राजद और जदयू और बीजेपी के नामो निशान भी नहीं थे, तब से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वजूद में है। दूसरी चीज़, बिहार की अगर आप बात करते हैं तो यकीनन रोहतास के लिए हमारी पार्टी नई है, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में भी हमने हिस्सा लिया था सीमांचल की 6 सीटों पे, 2019 लोकसभा चुनाव भी हमने लड़ा किशनगंज लोकसभा की सीट पे और तीसरे नंबर पे थे, और हमने 2019 में ही फिर जो उपचुनाव हुआ किशनगंज विधानसभा में वहाँ पे हम 73,000 वोट पाके चुनाव। पटना जिले के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल एवं जिलाधिकारी कुमार रवि के निर्देश पर जिले भर में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। इसी कड़ी में पटना जिले के मनेर में भी अंचलाधिकारी की देखरेख में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें दंडाधिकारी एवं भारी संख्या में पुलिस बल और पदाधिकारी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाया गया। ये नगर पंचायत क्षेत्र में सराय मनेर है, सराय मनेर है मॉल, उसमें अतिक्रमणवाद चला करके अभिलेख हो गए, कार्रवाई की गई थी पहले से, उसमें हटा दिया गया है। और फिर अहियापुर में उसमें भी सारी प्रक्रिया पूर्ण थी पहले से और उसको हटाया गया है। कितने मामले थे इस सड़क की जमीन थी, सड़क बना हुआ है उसके चार्ट में लोग एक जगह दुकान बना लिए थे, एक जगह बाउंड्री बना के घेर लिए थे, तो सड़क संकरा हो जाने से लोगों को कठिनाई हो रही थी, जनहित का मामला था और सरकारी जमीन था जिसको खाली कराया गया। मधुबनी के बेनीपट्टी अनुमंडल के नए अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में अशोक कुमार मंडल ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने कागजी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद निवर्तमान SDM मुकेश रंजन से चार्ज लिया है। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने वर्तमान एवं निवर्तमान SDM को सम्मानित भी किया। पदभार ग्रहण करने के बाद SDM अशोक मंडल ने कहा कि सरकार के सभी विकासात्मक योजनाओं को आमजनों के बीच पहुंचाना उनका प्रथम उद्देश्य होगा। अभी तो योगदान ही किए हैं, पदभार भी हो चुके हैं। मुकेश जी जो स्थानांतरित हुए हैं वो हमारे अटैचमेंट भी रहे, बहुत सारे जानकारी दी है, बताया गया कि बहुत अच्छे कार्य किए हैं। अभी जो वर्तमान में है, निकट में सबसे बड़ी चुनाव आने वाली है और चुनाव प्राथमिकता की विषय होती है। इसके अलावे जो सामान्य रूप से प्राथमिकताएँ होगी वो जो सरकार की योजनाएं हैं, नीति है, उसे धरातल पर लागू किया जाए। तीन साल का पूरा कार्यकाल रहा, उसमें जिस तरह का सहयोग यहाँ पे सभी वर्गों से, चाहे वो जनता हो, मीडिया के वर्ग हो, जनप्रतिनिधिगण हो, स्थानीय लोग हो, सभी तरह का सहयोग पूरी तरह से मिला, जिसका परिणाम रहा कि जो दो साल लगातार आपदा रेखा या अनुमंडल और उसके बावजूद कहीं किसी भी तरह की कोई बड़ी व्यवस्था की समस्या नहीं हुई, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चला। बेनीपट्टी जैसा कि सभी लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, दो देशों के पाल का जो दो जिला है वह इस अनुमंडल से टच करता है। इसके अलावा दो जिला दरभंगा और सीतामढ़ी के बॉर्डर पे है, तो काफ़ी सेंसिटिव अनुमंडल रहा है। 91 पंचायत का यह अनुमंडल है, 4 ब्लॉक हैं, सभी तरह के लोग मिलजुल करके सांप्रदायिक सद्भाव के माहौल में यहाँ पर रहते हैं। सभी तरह के त्यौहार और सभी तरह का ये जिस तरह का मेल जोल सब लोगों के बीच में रहा है वो
और जो पर्यटन की यहाँ अपार संभावनाएँ हैं, हमने कुछ शुरुआत की है और हमने जो हवन मंडल पदाधिकारी उनको दरबार संभाले हैं अशोक जी, हम उनसे भी चाहेंगे कि इस चीज़ को कंटिन्यू करें, क्योंकि एक अपार संभावनाओं वाला जगह है। महाचैत का स्थान है, विजय स्थान है, नालेश्वर स्थान है, विद्यापति बाबा विद्यापति का स्थान है, कालिदास महाकवि कालिदास का स्थान है, तो कभी सक्सेसफुल रहेगा और बहुत अच्छे ऑफिसर के लिए इसको मिले हैं और हम चाहेंगे कि काफ़ी अच्छा इसको आगे ले करके जाएँ। मेरा काफ़ी अच्छा यहाँ पे सब तरह से रहा, सब लोगों ने काफ़ी सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग याद करें, हम आगे कामयाबी मेरी पति को पुनः बहुत बहुत। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।